और ज्ञान दीपक भवन तले अभिनंदन और सुस्वागत कर रही है कि आप सब अपने बेमूल समय निकाल और आज भगवान के श्री चरणारविंद में माँ भगवती के नौ दिवसीय कथा प्रकरण को श्रवण करने के लिए अपने उपस्थिति को दिए हुए हैं। इसके लिए आप सभी को साधुवाद है। चले आरती द्वारा आज की कथा प्रसंग जो है इसको हम लोग श्री गणेश करेंगे और स्थानीय जो हमारी मंडली है महिला मंडल जो है उन्हीं के द्वारा आज इस वर्ष का कथा प्रसंग रहेगा और माँ की कृपा रहेगी तो शायद भैया जी का विशेष रूप से और प्रादुर्भाव कुछ अंतिम रात्रि में रहेगा उन्हीं के द्वारा फिर यहाँ से आगे की कथा प्रसंग जो चलेगी। सभी को चले साथ में होते हुए हम माँ भगवती की आरती जो है उसको समर्पित करें। धन्यवाद। जय अम्बे गौरी मैया जय अम्बे
Thank you.
आदिशक्तिमान जगदम्बा के श्री चरणों की वंदन करती हूँ, जिनके ही कृपा से इस वर्ष का नवरात्रि एक बार फिर हम ज्ञान दीपक भवन पर बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ में मनाने जा रहे हैं। आज प्रथम दिवस ब्रह्मश्री के द्वारा बहुत ही विधि पूर्वक यहाँ पर पूजा हुआ, हम उनके चरणों में वंदन करते हैं और क्षमा याचना चाहते हैं कि आज थोड़ा विलम्ब हो गया। प्रथम दिवस से पूजना करने में समय लगता है, स्थापना इत्यादि सब होता है, तो
देर ना करते हुए चले हम माता का जो अमृत वाणी है उसको श्रवण करेंगे और फिर हम छोटी सी कथा का पाठ करेंगे और शांति पाठ। मंगलमय भय मोचनी दुर्गा सुरैया, जिसके चरणों की सुधा स्वयं लिए Thank you.
Thank you.
अगर किसी के पास गाय हो और वो माखन को मथकर और घी बनाकर माँ को अर्पण करे तो क्या बात है, उसमें तो आपका प्यार और फिर माँ को वो शुद्ध घी अर्पण कर रहे हैं। बट फिलहाल क्या होता है, हम जो घी हमें सुपर मार्केट में मिलता है वो ही हम काम में लाते हैं। कुछ भी करो भाव से करो, और भाव के भूखी तो माँ है। माँ के आरती में आया है, माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। एक माँ और बेटा, माँ या बेटी का जो नाता है वो बहुत ही निर्मल है। पुत्र को पुत्र हो लेकिन माँ को माता कभी नहीं होती। अगर एक पुत्र अपने रास्ते से बिछड़ जाए, यानी कि वो उनका रास्ता अलग हो जाए और माँ को दुख देने लगे, बट माँ क्या है, वो कभी अपने बेटे को दुख नहीं दे सकती। कहने का भाव यह है कि माँ जो है वो ममता रूपी है, त्याग रूपी है। बहुत ही सुंदर ढंग से किसी ने एक गीत को गाया है, जिसने भी उसकी रचना की है उसकी तो बात ही न्यारी है। और जब हम माताओं के इतना सुंदर पद मिलता है कि पुत्र को पुत्र सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता, सब पर करुणा बरसाने वाली मैया जो अमृत भी बरसाती है, और आपके जो जननी है, आपकी जो माँ है, वो भी आपके ऊपर अमृत बरसाती, कैसे, आपको आशीर्वाद देकर, और वो आप पर अमृत बरसाती है। बहुत सुंदर से लिखा गया है, तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। क्योंकि वो सारे जगत की माँ है,
हमारी जो माँ है वो लौकिक माँ है, जिन्हें हमको जन्म दिया, इस शरीर का निर्माण किया, और जो सारे जगत की माँ है, जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश का भी रचना किया है, सारे विश्व की रचना की है, वो तो आदि शक्ति माँ जगदम्बा है। अभी देखा जाए तो हमेशा हम कहते हैं कि बच्चे जो है अपने माँ को ख्याल नहीं करते हैं, माँ को ले जाकर या पिता को ले जाकर ओल्ड पीपल्स होम में छोड़ देते हैं। कभी आपने वो सोचा है कि जो माँ अपने बच्चों को छोड़कर अपने खुशी के लिए अब घर से चल देती है, उनको क्या कहेंगे आप? किसको कहेंगे, बच्चे बुरे हैं या माँ? दोनों मदद से देखा जाए, ताली एक ही हाथ से नहीं बजती। अभी देखा जाए तो बहुत सी ऐसी माँ है, नौजवान, जो अपने दूध पीते बच्चे को यूं ही छोड़कर और चल देते हैं, क्या एक्सक्यूज देते हैं? पति पत्नी में पता नहीं। अरे भाई, जब पति पत्नी का संबंध निभाना ही नहीं था तो विवाह क्यों किया, शादी क्यों किया? शादी कोई मजाक तो है नहीं। और अपने बच्चों को, अपने कलेजे के टुकड़े को आपने यूं ही छोड़कर और चले गए। शायद जब बच्चे बड़े हो जाए और माँ को देख रेख नहीं कर पाए, अगर उन्होंने ले जाकर रिटायरमेंट विलेज में छोड़ दिया और उनका पूरा जो खर्च है उठा रहे हैं, क्योंकि वो बच्चे अपने माँ को समय नहीं दे पा रहे हैं, तो अलग बात है कि अपने माँ को या पिता को देख रेख कर रहे हैं, लेकिन इस माँ को क्या कहेंगे आप, किसके कसूर होगा? जहां तक हो सके तो इसको रोको। और अगर आप जानते हैं कि आप विवाह करने के पश्चात शायद आप में नहीं बनेगा, तो बच्चे ही पैदा मत कीजिए। क्यों इसे बच्चे को छोड़ देते हो बिलखने के लिए? अगर एक माँ का निधन हो जाए, बच्चे किस तरह बिलख बिलख कर रोते हैं। पिता तो पिता है, वो कमा कर लाता है, उनका कार्य है कि घर में कमा कर लाना, लेकिन जो माँ है उसका काम है उस घर को चलाना, अपने बच्चों को चलाना। कहते हैं प्रथम गुरु कौन है? माँ। क्योंकि माँ के साथ में बच्चा हमेशा रहता है। कथा हम उस जगह कर लेकर चलते हैं जब द्वारका में सत्राजीत नामक एक राजा था, जिन्होंने सूर्य भगवान के कठिन तप किया और सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर और सत्राजीत को वरदान रूप में, उपहार रूप में सामंतक मणि को प्रदान कर दिए। सोचिए उन्होंने किस तरह सा वो तप किया होगा कि उनको इतना अनमोल रत्न मिला, जो प्रतिदिन 8 किलो सोना उसमें से प्रदान होता था। और एक दिन सत्रजीत ने उस मणि को अपने गले में धारण करके और द्वारका में आ गए। जब वहां के निवासी ने देखा कि सत्रजीत आ रहे हैं, तो उन्होंने यही सोचा कि सत्रजीत नहीं है, ये स्वयं सूर्य नारायण भगवान है, क्योंकि उनका जो प्रकाश है वो सूर्य नारायण की तरह था। ये बात भगवान श्री कृष्ण ने सुना, वो तो जानते थे कि ये तो सामंतक मणि है, और जहां पर वो मणि होता वहां पर खुशियां ही खुशियां रहता है। तो क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण ने उस मणि को पाने की इच्छा प्रकट किया, लेकिन सत्राजीत ने उस मणि उसको नहीं दिया, इनकार कर दिया। क्या होता है, एक दिवस सत्राजीत का भाई प्रसेन, उन्होंने उस मणि को गले में धारण किया और वन को चल पड़े शिकार खेलने के लिए। जब वो वन में जाते हैं शिकार खेलने के लिए, तो क्या होता है, वहां पर एक सिंह आ जाता है और प्रसेन को मारकर और वो जो मणि था उसको ले लेते हैं। उसी जगह के आसपास की गुफा में जामन जी रह रहे थे, और जामन जानते हो कौन है? जामन ये वही जामन थे जो त्रेता युग में और
माँ सीता के खोज करने के लिए जब समुद्र के तट पर सब आकर विराजमान हो गए और पता लग गया कि माँ सीता लंका में है और समुद्र के उस पार जाना है, तो सब सोच रहे हैं कि समुद्र पार जाएगा कौन, किसमें वो शक्ति है जो इस समुद्र को पार करके और माँ सीता का खोज करके लाएगा। सब अपने में विचार कर रहे हैं और महाबली हनुमान जी चुपचाप एक स्थान पर बैठा और सोच रहा है। जामवंत ने वहां आए और बहुत ही सुंदर वाणी से उन्होंने हनुमान जी को एक वचन कहा। जामवंत कहे वचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए। सबसे बुरा था जामवंत, उनमें बल बहुत था लेकिन उम्र के हिसाब से उनका बल उतना नहीं था कि वो जाकर लंका में और माँ सीता का जो खबर है वो लेकर आए। तो उन्होंने हनुमान जी को उसको याद दिलाया, उनके बल के याद दिलाए, क्योंकि बालापन में हनुमान जी को श्राप मिला था। बालापन में श्राप दिया ऋषि ने कि तू अपने बल को भुला दोगे। तो क्या होता है, उस जगह पर जामवन ने आकर और उसको याद दिलाया कि महावीर आप चुप क्यों बैठे हो, आप में तो वो बल है, वो शक्ति है कि आप कुछ भी कर सकते हो। और जामवन के कहने के पश्चात तब हनुमान जी ने लंका गए और सीता को खबर लेकर आए। क्या होता है, इधर द्वारका में सब प्रचार हो गया कि समन्तक ऋषि समन्तक मणि जो था वो गुम हो गया, यानी चोरी हो गया, और उसका जो इल्जाम भगवान श्री कृष्ण पे लग गया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट किया था कि मुझे इस समन्तक मणि चाहिए, यानी इच्छा प्रकट की थी कि मुझे ये दे दो, और सत्राजीत ने नहीं कर। चले छोटी सी कीर्तन हो जाए, तत्पश्चात हम कथा को आगे लेकर चलते हैं। मुर्गे मैया हमारे गलिया, Hey, 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 hey,
अपने भक्तों को, अपने बच्चों के, अपने दुलार को कि आओ इस प्रेम के सागर में और डूब जाओ। अमृत बरसा रही है माँ और आकर इस अमृत रूपी कथा को पान करो। श्रद्धा भाव से माँ का पूजन करो। माँ सबके मनोरथ को पूर्ण करेगी। इधर कृष्ण जी जब उनको पता चला कि उनके ऊपर इल्जाम लगा है तो अपने साथियों के साथ में और वन को चल पड़े उस मणि के खोज में। और जब वो जाते हैं घने जंगल में तब उनको एक मृत शरीर मिलता है जो राजा प्रसेन का था और संग में उनका जो घोड़ा था वो भी, यानी सिंह दोनों का खा गए थे और सिंह का भी जो शरीर था वहीं पर पड़ा था। तब उन्होंने सोचा कि ये सब यहाँ पड़े हैं और मणि कहाँ गया। तब उन्होंने देखा कि फुटप्रिंट, और उन्होंने उसी फुटप्रिंट को फॉलो करते हुए और गुफा के अंदर गए। वो जो सामंतक मणि था जामन ने सिंह को मारकर और उसको लेकर आ गए घर अपने गुफा में ले गए। और वो सामंतक मणि जो इतना अनमोल किसको दिया, अपने बेटे को खेलने के लिए दे दिया। जामन का बेटा वो सामंतक मणि को लेकर खेल रहा है और भगवान श्री कृष्ण उनके पद चिन्ह को देखकर उन्हीं पर चलते चलते और गुफा के अंदर चले गए। गुफा के अंदर जाने से पहले अपने साथियों से उन्होंने कह दिया था कि आप लोग यहाँ पर मेरा इंतजार कीजिए, मैं वापस आऊंगा सामंतक मणि लेकर। क्या होता है जब वो जाते हैं गुफा के अंदर तो उन्होंने देखा कि बच्चा सामंतक मणि खेल रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने उस मणि को लेने की चेष्टा की और जैसे ही वो मणि को लेने की चेष्टा की तो जो बच्चा था वो जोर जोर से रोने लगा। और जामन ने सुनकर वहां पर आया तो उन्होंने देखा श्री कृष्ण को। उस वक्त वो नहीं जानते थे कि वे भगवान श्री कृष्ण है। तो क्या होता है जामन और तो कृष्ण के बीच में युद्ध होने लगा। 27 दिन यानी 27 डेज तक उनका जो युद्ध है वो चलता गया। और इधर जो साथी बाहर इंतजार कर रहे थे वे सोच रहे थे अभी तक भगवान आए नहीं, अभी तक द्वारकाधीश आए नहीं, क्या होगा। जब बहुत दिन हो गया तो वो वापस अपने नगर को गए यानी द्वारका हो गए। जब द्वारका पहुंचे और कृष्ण नहीं साथ में था तो वसुदेव और देवकी और अन्य जितने लोग थे सब चिंतित में पड़ जाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण गए कहाँ। जब पूछा तो उन्होंने सब वृत्तांत कह सुनाए। इधर वसुदेव और देवकी, देवकी माँ और इधर वसुदेव पिता अपने पुत्र के वियोग में और विलाप कर रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, यही सोच रहे हैं कि हमारे बेटा कहाँ पर है। जहाँ पर दुख और कलेश आता है, कोई समस्या खड़ा हो जाता है तब श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण करते कौन आता है, नारद जी। और नारद जी स्वयं वहां पर वीणा लेकर और लक्ष्मी नारायण कहते कहते पधारे। जब आए तो उन्होंने देखा और पूछा क्या बात है, क्यों आप लोग इतना दुखी हो। तब वसुदेव और देवकी ने रो रो कर अपना जो दुखड़ा है उसको सुनाया। तो नारद जी ने कहा वसुदेव आदि शक्ति माँ जगदम्बा के पूजन करो, आपको पुत्र वही लाकर देगी। 9 दिवस माँ जगदम्बा का कथा का प्रचार करो और उनकी पूजन करो। तो क्या होता है वसुदेव जी को उस जगह पर याद आया कि जब वो कालागान में थे, कंस के बंदी बने हुए थे और उनके 6 पुत्र जब कंस ने मार चुका हो
तब माँ देवकी बहुत विलाप करती। यहाँ पर एक पुत्र के अगर कुछ हो जाए या बेटी या बेटा कुछ हो जाए तो माँ का दिल बह जाता है। उनके तो 6 पुत्र का वध कंस ने किया और खुद उनका मामा ने किया, यानी कि जो उनके बेटे थे बच्चे थे उनके मामा ने उनका वध किया। तो वहां पर गर्ग ऋषि ने आकर जो उनके कुल गुरु थे वसुदेव को कहा कि वसुदेव आदि शक्ति माँ जगदम्बा का पूजन करो। तो वसुदेव जी ने कहा कि हे ऋषिवर, हम तो बंदी ग्राम में हैं, हम उनकी पूजा कैसे विधिवत तो कर नहीं सकते हैं और यहाँ पर तो कंस का इतना बड़ा अत्याचार है। तो उन्होंने कहा कि जाइए और माँ जगदम्बा की पूजन कीजिए ताकि हमारा जो ये 7वां और 8वां पुत्र है वो सुरक्षित रहे। गर्ग ऋषि ने जाकर और माँ जगदम्बा का 9 दिन तक पूजना की और जब माँ जगदम्बा प्रसन्न हुई तो उन्होंने आकाशवाणी दिया कि जाओ वसुदेव से कह दो, देवकी से कह दो कि डरे मत, मैं स्वयं आ रही हूँ और कृष्ण जी का जन्म होगा उसको आप मथुरा पहुंचाएंगे और मैं यशोदा के यहाँ पर शक्ति सहित विराजमान रहूंगी और वहां से लेकर आकर और जब भी हमें कंस मारने की कोशिश करेगा मैं छूट जाऊंगी। और जो माता जगदम्बा थी वो बलराम को देवकी के गर्भ से निकाल के और रोहिणी के गर्भ में धारण कर दिया। इस तरह से बलराम और कृष्ण ने जाकर जीवित रहे, वो आदि शक्ति माँ जगदम्बा की कृपा से हुआ। तब वहां वसुदेव जी ने कहा कि हाँ, हमने एक बार माँ की पूजना की थी और माँ ने हमें कृष्ण को और बलराम को दिया था, एक बार फिर हम चले और माँ जगदम्बा की पूजना करेंगे और माँ जगदम्बा अवश्य प्रसन्न होकर हमारे पुत्र श्री कृष्ण को लौटा देंगे। इधर पूजा आरंभ हुआ और उधर युद्ध हो रहा है। जामन भूरा है लेकिन बल है और इधर जिसे जिसे पूजा हो रहा है वैसे वैसे जामन का जो बल है वो धीरे धीरे घटते चला गया और जैसे जैसे उनका बल घटा वैसे वैसे उनको ज्ञात आया कि ये स्वयं भगवान है जो त्रेता युग में श्री राम थे और अब वो श्री कृष्ण है। 27वां दिन पर युद्ध समाप्त हुआ क्योंकि जामन का बल चला गया और उनको ज्ञान आ गया आदि शक्ति माँ जगदम्बा की कृपा से और भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने प्रणाम किया, क्षमा मांगी कि मुझे क्षमा करना नाथ, मैं नहीं जानता था कि आप स्वयं पारब्रह्म परमेश्वर वही राम है जिसकी मैं सेवा और त्रेता में किया था। भगवान श्री कृष्ण उस मणि को लिए, मणि जामन ने उनको दे दिया और साथ साथ में जामन ने अपनी बेटी जामवंती को भी उनको दे दिया यानी विवाह कर दिया। इधर माँ जगदम्बा की पूजना हो रहा है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संसिता, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संसिता, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। और पूजना हो रहा है, नारद जी यहाँ पर माँ जगदम्बा का बहुत ही विधि पूर्वक पूजा किया और जैसे पूजा समाप्त होने ही वाला था भगवान श्री कृष्ण आए साथ में अपने भार्या को यानी कि जामवंती को भी लेकर आए। वसुदेव देवकी ने देखा उनके पुत्र और पुत्र वधु भी साथ में आए तो बड़े हर्षित होकर सब माता जगदम्बा की पूजन की और शांति पाठ हुआ। क्या होता है, सब खुशी खुशी से रहने लगे। तो देखे माँ जगदम्बा की कितनी बड़ी शक्ति है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी दिखाया है कि मैया की पूजना से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। आज हम कथा यहीं पर समाप्त करते हैं, कल भाई शिवदयाल जी आएंगे और यहाँ से जो कथा है वो आपके समक्ष में पाठ करेंगे और ही विस्तार पूर्वक कथा होगी। चले हम छोटी सी कीर्तन को गायन करेंगे और शांति पाठ चले। अमृत की बरसे बदरिया अम्बे माथे दुवरिया, माँ की दुवरिया।
से भी नहीं करना कि माँ तेरे दर पर आना मेरा काम था, माँ तेरे दर पर आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, हमने छोड़ दी कश्ती माँ तेरे नाम की, अब किनारा लगाना बस तेरा काम है। मैं ऐसे भी नहीं करे कि माँ हमको अविरल भक्ति और मेघाम बुद्धि की प्राप्ति कराए। चले माँ बहने हाथों में आ चल ले ले और हम शुभकामना मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम
स्वस्ति परिपालयन्ता ब्राह्मणेभ्यो शुभमासु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तो निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चन दुःखभाग् आपुत्रां पुत्रिणां सन्तो पात्रिणां सन्तो पात्रिणां नीतनां सदनां सन्तो जीवन्तु माँ की शक्ति से विनय करें कि माँ हम जगत में आप पूर्ण है, पूर्ण ब्रह्म आप है माँ। माँ ऐसे में हमसे कुछ भी भूला चुका हो सो माँ हमको क्षमा करे। माँ तेरा तुझको अर्पण याद आती है। ओम नमां शिव मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जिनादं यद् पूजितं परिपूर्णं तदस्तु मे शरणं। ॐ अस्तु मा सद्गम्यं तं सोमा ज्योतिर्गम्यं मृत्युं मा अमृतं। शान्तिः अन्तरिक्षभुः शान्ति पृथिवे शान्ति नाभा शान्ति ऋषय शान्ति वनस्पति शान्ति विश्वदेव शान्ति ब्रह्मा शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेवा शान्ति श्यामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ नमो पार्वतीपते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्रेम शिवलो अम्बे माते की जय, जगदम्बे माते की जय, लिंगेश्वरी माते की जय। धन्यवाद दिव्य तथा सचिव। चले हम लोग प्रसाद का भोग लगाएंगे। राम कहे सुनाओ कहे, कृष्ण कहे तू जाए, महामल बरसात की बात फिर सबको हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। शांति पूर्व कर आज प्रथम रात्रि में कथा को समर्पित है। धन्यवाद के पात्र हैं हमारे ज्ञानदीपक महिला मंडल के जो प्रचारणी श्रीमती उषा जी आज फिर मुखारजी से कथा को श्रवण किए हैं। कल से हमारे प्रचारक प्रधान श्रीमान सुजात जी आ जाएंगे, तो कल से कथा को मुखारजी से आप श्रवण करें कृपा करेंगे। इस साल का जो हम नवदुर्गा के पूजन कर रहे हैं हमारे ज्ञानदीपक महिला मंडल के दरमियान में ये रहेगी और हम सभी को पारी देते हैं। जैसे कृष्णाष्टमी में रामनवमी पारी दिया जाता है उसी प्रकार सभी को हम पारी दे रहे हैं। आज प्रथम रात्रि थी, आज हमारे हमारी प्रसाद की पारी थी, हमारे जो टीम थी श्रीमान मुनेश के साथ में श्रीमती उषा जी उनके साथ में पूरा पारी दे। और जैसे जैसे पारी रहेगा हम आप लोग बिता देंगे। कल
आप लोग अपने समय को निकालकर और जो कुछ